कहते हैं कि कामयाब है वो बादशाह जो पीर के दरवाजे पे हो, और नाकाम है वो पीर जो बादशाह के दरवाजे पे हो। मेरा नाम उमर है और मैं एक हीरो की तलाश में हूं। दुनियावी हीरोज को फॉलो करके मुझे कोई सुकून नहीं मिला। अब मैं एक ऐसे हीरो की तलाश में हूं जिसे फॉलो करके मुझे सुकून मिले। कुरान को पढ़ के मुझे सुकून मिला, लेकिन अब मैं एक ऐसे उस्ताद की तलाश में हूं जो मुझे सही कुरान सिखाए। उदास हो दोस्त। दोस्त मैं उस्ताद की तलाश में हूँ जो मुझे सही कुरान सिखाए। मुझे एक उस्ताद मालूम है जी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत दूर जाना होगा। मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान में एक शहर है मर्दान जी, वहाँ एक फिर समीला है जी, वो आपको अच्छे तरीके से कुरान पढ़ाएगा। इंशाल्लाह मैं जाने के लिए वहाँ पर तैयार हूँ। बेटा, अगर तुम्हें कामयाबी हासिल करना हो तो उसके लिए तुम्हें अल्लाह की राह में जाना पड़ेगा। ये सब आपकी बात ठीक है, मगर बाहर आपसे कोई मिलना चाहता है। ठीक है, आप उनको बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम पीर साहब। मेरा नाम उमर है, इस्तांबुल से आया हूँ आपसे कुरान सीखने के लिए। ये बहुत फखर की बात है कि आप इतने दूर से आए हो कुरान सीखने के लिए, लेकिन आप बहुत दूर से आए हो इसलिए आपको थोड़ा आराम करना पड़ेगा। आप कुछ खाना खाए, उसके बाद आप आराम करें। ठीक है पीर साहब, मैं कुछ आराम करता हूँ और आपकी ये रहनुमाई का इंतजार करूँगा। उमर भाई, ये आपका कमरा है, आप यहाँ पर आराम करें। ठीक है जी, मैं यहाँ पर आराम करता हूँ, आपका बड़ा शुक्रिया। उमर भाई, पीर साहब आपका बोल रहा है। शुरू करें वलीद बेटा। जी पीर साहब, शुरू करें। ए अल्लाह, मेरे दिल में सिर्फ आप हो, आपके अलावा कोई नहीं। ए अल्लाह, हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि आप दोनों जहानों का मालिक है। हमें बख्श दे और हमें हर जिंदगी के मकसद में कामयाब करें।